हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्भिध्यानगम्यम वंदे विष्णु भव वहेहरम सर्वलोकेकनाथनम। दोस्तों आइए, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, वह जो धीर है, क्षीर गंभीर है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए विराजमान है, जिनकी नाभि में कमल है और जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, संपूर्ण विश्व जिनकी रचना है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो अति मनभावन एवं सुंदर हैं, ऐसे लक्ष्मी के पति लक्ष्मीकांत की कमल नेत्र वालों की, जिनके नयन कमल के समान सुंदर हैं, योगिर भी ध्यान यानी जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, वंदे विष्णु भव भय हरम, उनको उन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे परम ब्रह्म श्री विष्णु को मेरा नमस्कार है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, जो सभी भय को नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, सभी चराचर जगत के ईश्वर हैं। आइए उनकी आराधना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के उपलक्ष्य में कामदा एकादशी मनाई जा रही है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है और फल प्राप्त कराती है, अतः इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। और हर एकादशी की ही भांति इस एकादशी पर भी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। बहुत ही उत्तम व्रत कहा गया है और इस एकादशी का व्रत रखने से कहते हैं व्रती को प्रेत योनि तक से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के बारे में भगवान श्री हरि कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को महात्म में समझाते हुए कहते हैं कि कालांतर में भोगीपुर नगर के राजा पुंडरीक का दरबार किन्नरों और गंधर्वों के गायन और नृत्य से भरा रहता था और एक दिन ललित नाम का जो गंधर्व था, वह दरबार में गान करते हुए अकस्मात अपनी पत्नी की याद आ जाने से उसका स्वर लय और ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को राजा के सेवक कारकोटक नाग ने राजा को बता दिया और क्रोधित राजा ने गंधर्व ललित को राक्षस हो जाने का श्राप दिया। ललित सहस्त्रों वर्षों तक अपनी पत्नी ललिता सहित राक्षस योनि में विचरण करता रहा और एक दिन ललिता ने विंध्य पर्वत पर ऋषिमुख ऋषि के पास जाकर अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछा। इस पर ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया और ललिता ने श्रद्धापूर्वक बिना नमक और अन्न खाए कामदा एकादशी के व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से ललित का सभी श्राप मिट गया और दोनों अपने गंधर्व स्वरूप में फिर से प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, कामदा एकादशी के विशेष पूजन उपाय और व्रत करने से भक्त की समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होती है, समस्याओं का अंत होता है, भोग विलासिता में वृद्धि होती है। इस बार विशेष रूप से 2024 में एकादशी तिथि का प्रारंभ ऐसे 18 अप्रैल को हो रहा है शाम को 5:31 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति 19 अप्रैल को रात में 8:04 पर होगी और इसीलिए विशेष रूप से उदय तिथि का भान करते हुए और पूरे दिन एकादशी प्राप्त होने से आप 19 अप्रैल को एकादशी का व्रत कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। और 20 अप्रैल को व्रत का पारण करना है सभी को, समय सुबह 5:50 से 8:26 तक पारण का समय है। पारण तिथि के दिन द्वादशी 10:41 पर समाप्त होगी। तो क्या करना है, सुबह सुबह जल्दी उठना है और घर की साफ सफाई करनी, अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई कीजिए, तोरण लगाइए, हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए, रंगोली आदि से सजाइए, स्वयं स्नान करिए। इस दिन हल्दी डाल करके जल में स्नान करना चाहिए, सभी को उपटन लगा के आप चाहें तो इस दिन स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अच्छे सुंदर कलर के वस्त्र, नीले काले ऐसे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, लाल पीले हल्के रंग के आसमानी ये कलर के आप वस्त्र धारण करें। एक लोटा जल आप भगवान सूर्य देवता को पहले सबसे पहले अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बोलते हुए जल अर्पित कीजिए। इसके बाद उसी लोटे में जल ले लीजिए,
और आज के दिन चने की दाल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस एकादशी पर चने की दाल अगर आप लोटे में जल के लोटे में डाल के सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे आपको यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आपको 11 दाने चने की दाल लेनी है और उसको आपको डालकर अर्पित करना है। और इसके बाद थोड़े से काले तिल या ऐसे ही शुद्ध जल ले लीजिए और दक्षिणमुखी हो जाइए अपने घर में। जो सूर्य देवता उदय होते हैं उससे राइट हैंड साइड आपका दक्षिण दिशा होता है, पितृदेव की दिशा होती है। इस दिशा में आप जल का लोटा लेकर के जल अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। जो मंत्र नहीं बोल पाएंगे वो बोलेंगे पितर पितरानी की जय, पितर पितरानी की जय। इस प्रकार से आप जल अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। थोड़ा सा जल हाथ में लेके संकल्प करें कि आज मैं किसी भी पापी दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा। प्रभु का संकीर्तन करते हुए पूरे दिन मैं अच्छी भावना के साथ सभी की सेवा करते हुए बिताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का जाप करूँगा। और इसके बाद आप जो भी आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है या फोटो है वो आप घर की पूरब दिशा में कोई भी लाल वस्त्र हुआ, सफ़ेद वस्त्र या पीला वस्त्र हुआ, इसको बिछा करके भगवान वासुदेव का चित्र हुआ, विष्णु भगवान की मूर्ति हुई, लड्डू गोपाल हुए, जो भी स्थापित करना चाहे इनको स्थापित करके आप इस दिन पंचामृत से, अगर हमेशा बताती हूँ कि घर में एक दक्षिणावर्ती शंख अवश्य होना चाहिए, स्वयं श्री साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं ये तो, लेकिन ध्यान रखें अभिमंत्रित करके रखना चाहिए इसको। और इससे आपको हर एकादशी पर प्रभु श्री नारायण का, विष्णु भगवान हो, लड्डू गोपाल हो, राम जी हो, जिनका भी दरबार हो आपके पास या कोई भी मूर्ति हो, फोटो हो, उस पर आपको अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक कीजिए, शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए, चंदन के जल से अभिषेक कीजिए, अष्टगंध से अभिषेक कीजिए, जो आपकी इच्छा हो उससे आपको अभिषेक करना चाहिए। और इसके बाद में आप उनको शुद्ध कपड़े से, शुद्ध जल से स्नान करा के वस्त्र आदि धारण कराएं। पीताम्बर धारी है प्रभु तो पीले ही वस्त्रों का चयन करना चाहिए उनके लिए भी, और पीले वस्त्र धारण कराइए, जनेऊ धारण कराइए, चंदन से तिलक कीजिए और पुष्पों से उनका, पीले ही पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन लाल चंदन से भी आप विष्णु भगवान को, अगर आपके पास लाल चंदन है तो उससे भी तिलक कर सकते हैं। आप तुलसी का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं इस दिन, और शहद मिले हुए गाय के घी के आप चाहें तो 11 बाती का एक ही दीपक जला लीजिए। आप चाहें तो 11 मुखी दिया जला सकते हैं या आप चाहें तो 11 दीपक जला सकते हैं, और हर दीप में या एक ही दीप है तो उसमें थोड़ा सा शहद आज के दिन गाय के घी में मिलाकर आपको दीपक जलाना चाहिए। आप देखेंगे कैसे आपके कितने भी बड़े बड़े मुसीबतें हों, इस उपाय से आपके जीवन की मुसीबतें कम हो जाती है, आपके जीवन की कठिनाइयां कम हो जाती है। और एक थोड़ी सी कटोरी में आप चने की दाल रख लीजिए। अगर आप चाहें तो भिगा करके भी चने की दाल एक दिन पहले ही रात में भिगो दीजिए और अगले दिन आप इस उपाय को करें। थोड़ी सी गुड़ रख लीजिए उसके साथ। आपको बता दूं भगवान विष्णु को चने के साथ गुड़ चढ़ाने से सूर्य के साथ साथ मंगल ग्रह का भी सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है। कोई भी कार्य करने में अगर अड़चने ज़्यादा आ रही है, बाधा आ जा रही है आपकी, विशेष रूप से अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं और उसमें बाधा आ रही है तो आपको ये काम करना चाहिए, ये आसानी से आपके काम बनने लगते हैं। और इसके बाद आपके पास जो भी अच्छी माला है, चंदन की माला हो, तुलसी की माला हो, स्फटिक की माला हो, या फिर आप कमलगट्टे की माला हो, उससे आप ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। क्या बोलेंगे? ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप कीजिए और थोड़ी सी कपूर ले लीजिए एक कटोरी में, और उसमें दो लौंग और लाल चंदन है तो लाल चंदन एक पिंच डाल लीजिए, और उससे आपको फिर जला करके उससे श्रीहरि भगवान विष्णु की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई भी आरती आपको करनी चाहिए। पूजन का समय विशेष रूप से, ऐसे तो पूरा दिन शुभ है, आप कभी भी कर सकते हैं। जो मुहूर्त जानना चाहते हैं उनको बता दूं, सुबह 10:55 से लेके 11:55 तक का विशेष मुहूर्त है। और पूजा के बाद जो गुड़, चना या फल जो भी आपने भोग लगाया है उसमें से थोड़ा आपको गौ माता को अवश्य खिलाना चाहिए। गौ माता नहीं है तो किसी गरीब को, अपने से नीचा जो है उसको आप ये दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। अगर आपके करियर में बाधा आ रही है, बिजनेस में बाधा आ रही है, कोई भी दुकान आदि नहीं चलती है, आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका काम नहीं बनता है, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस नहीं आ रही, आप फेलियर हो जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, घर से निकलते समय जो आप ये चने और गुड़ का आपने भोग लगाया है
ये ले करके आप गौ माता को कहीं से खिला दीजिए। आप देखेंगे आपके कार्य में जो भी बाधा आ रही है वो आपकी अवश्य दूर होगी। आप चाहें तो वही बात, अगर गौ माता नहीं मिलती है तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति, आप ये 10 से 11 आप एकादशी कर लीजिए। ये उपाय आप देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इसी एकादशी पे करेंगे, आप अगली एकादशी पे और वो भी नहीं तो आप गुरुवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। आपके जो भी करियर की समस्याएं हैं, चाहे वो दुकान की हो, चाहे वर्क प्लेस की हो, चाहे आपके ऑफिस की हो, चाहे काम नहीं मिलने की हो, या फिर आपका कोई प्लांट वगैरह, फैक्ट्री वगैरह है, कोई इंस्टीट्यूट है नहीं चलता है, वो सभी आपके चलने लगेंगे। रात में भिगो दीजिए चने की दाल। सुबह एक और उपाय बता देती हूँ, बहुत ज़बरदस्त उपाय है और स्वयं का मैं कई बार करती भी थी पहले भी, अभी भी कई बार कर लेती हूँ। आपको क्या करना है, सुबह जो रोटी बनती है उसमें से एक आटे की लोई ले लेनी है और चने की दाल को आपको रात को ही भिगो देना है, और उस आटे की लोई में आप चने की दाल भर दीजिए। और आप चाहे तो इसे रोटी की भांति हल्का हल्का कच्चा सेक भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर आप इसको गौ माता को खिला दीजिए। आप देखिए, आपके जीवन में जो भी दोष आ रहे हैं वो सभी दूर हो जाएंगे, आपकी बाधाएं मिट जाएगी। विशेष रूप से जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होगा। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपके एजुकेशन में अड़चन आ रही है, और अगर आपके जीवन में धन की हानि होती है बार बार, आपके जरूरी काम आप करने जाते हैं उसमें रुकावट आ जाती है, शादी करने जाते हैं शादी में रुकावट आती है, ये हो गई तो टिक नहीं रही है, काम सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाती है। दोस्तों, एकादशी तिथि है, भगवान बृहस्पति देव, श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित दिन है, और इस छोटे से को उपाय को करने से सारे काम आपके सफल हो जाएंगे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो इस दिन आप चने की दाल से उपाय ज़रूर कीजिए और अपने जीवन की तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करते रहा करें, क्योंकि छोटे छोटे उपाय हैं, हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। वैसे एक छोटा सा काम आप और कर सकते हैं, चने की दाल को पूजा के बाद एकादशी की शाम को एक गुड़ की डली और 7 साबुत हल्दी की गांठ, 1 रुपये का एक सिक्का, ये सब लेकर के एक पीले कपड़े में रुमाल टाइप की लेकर के उसमें बांध लीजिए। अगर नहीं है पीला कपड़ा आपके पास तो आप एक उसमें कर लीजिए, पीला कागज़ ले लीजिए, उसमें भी बांध सकते हैं। और जिस घर के जिस सदस्य के ऊपर परेशानियां बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गई, उसके सिर के ऊपर से आपको 7 बार सीधी दिशा में घुमाना है और किसी अज्ञात जगह पर ले जाकर फेंक देना है। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं तुरंत पूरी होंगी, और जो भी पर्सन के ऊपर कुछ किया धरा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी चीज़ें हैं, वो आपके दूर हो जाएगी। आप चाहें तो सुबह स्नान के बाद केले के पेड़ पर भी आज के दिन गुड़ चना चढ़ा करके बृहस्पतिवार की भांति, गुरुवार के व्रत की भांति आप चढ़ा सकते हैं। ये भी बहुत फ़ायदा देता है, इससे धन से जुड़ी सभी दिक्कतें आपके जीवन से दूर होती है, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। तो दोस्तों, कर लीजिए उपाय, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। सुनने में लग रहा होगा शायद चने की दाल क्या भाग्य बदलेगा, पर करके देखिए दोस्तों। और मैं तो सजेस्ट करूंगी सिर्फ ये वाला एकादशी पे नहीं, इसके बाद भी आप 10 से 11 एकादशी और गुरुवार मिला करके इस उपाय को कर लीजिए। आप देखिए, जड़ से सभी प्रकार की धन की समस्याएँ दूर हो जाएगी। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शिरा वाली दबुल सांची दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।